बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चीज़ केक और उसके अज्जा को मैंने यहाँ पे लाइन अप किया हुआ है। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे बिस्किट ले लिया है, मैंने कैंडी बिस्किट लिया है, ये 200 ग्राम है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बटर ले लिया, उसको मेल्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस ले लिया है। यहाँ पे फिर हमने 250 ग्राम जो है क्रीम चीज़ ले ली है और 250 ग्राम ही हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। शुगर मैंने 1/2 कप ले लिया है। वनीला एसेंस जो है मैं 1 टीस्पून यूज़ करूँगी और एंड पे जो है हमें टॉपिंग की ज़रूरत होगी, तो मैंने ब्लूबेरी की टॉपिंग 1 बाउल ले लिया है। चलें अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इन बिस्किट्स को क्रश कर लेती हूँ। यहाँ देखें मैंने बिस्किट्स का अच्छा सा चूरा कर लिया, ये तकरीबन 1.5 कप होगा। अब इसको जो है हम अपने पैन में डालेंगे जिसमें हमने अपना केक को सेट करना है। और अब इसमें जो है हम अपना मेल्टेड बटर ले लेंगे और मिक्स करके इसको कर लेंगे और इसको फिर इसी पैन में सेट कर लेंगे। चलें अब हम इसको सेट कर लेते हैं। और इसको ये देखिए मैंने बिल्कुल परफेक्टली सेट कर लिया है। अब जितनी देर हम जो है क्रीम को रेडी करेंगे इतनी देर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। चलें इसको हम फ्रिज में अब जो है हम क्रीम वाला पोर्शन रेडी करेंगे। सबसे पहले जिसके लिए मैं जो है इसमें क्रीम चीज़ डालूंगी। अब जो है हम इसको बीट कर लेंगे। अब जो है हम इसमें क्रीम डाल लेंगे। अब जो है ये देखिए 2 मिनट मुसलसल इसको जो है बीट करने के बाद हमारा क्रीमी पोर्शन मज़े का क्रीमी क्रीमी सा होता आ रहा है, फ्लफ़ी होता आ रहा है। अब जो है इसमें हम शुगर डालेंगे। मैंने जो है शुगर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। 1/2 कप शुगर जाएगा हमारा। अब इसमें जो है हम 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे और जो लेमन जूस हमने लिया था वो भी डाल देंगे। अब जो है हम इसको फिर थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अब जो है मैंने जो है पैन निकाला है और हमारी सरफेस जो है अच्छी सी हार्ड हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो है हम ये क्रीम चीज़ की लेयर लगा देंगे। अब जो है हम इसको सेट कर लेंगे। ये जो है कम से कम जो है मैंने इसे 7 से 8 मिनट फ्रिज में रखा है, ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। अपिंग डाल दूंगी ब्लूबेरी की। अब जो है इसको हम फ्रिज में रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख के निकाल लें। अब जो है 8 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हमारा केक सेट हो गया है। इसको जो है अब हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है हमारा चीज़ केक बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें कितने मज़े का बना है।
ऐसी ही मज़ीद आसान रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।